नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में अब प्रमंडलवार पंचायत चुनाव करवाने का प्रस्ताव हुआ जारी। बिहार में जल्द ही ग्राम पंचायतों के चुनाव का आयोजन होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसके बाद अब बिहार में इस बार ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रमंडलवार होने वाला है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रहे मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायनों में बेहतर होगा। ज्ञात हो राज्य में 9 प्रमंडल है। इस तरह आयोग अंतिम निर्णय ले लेता है तो 9 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। गौर करने की बात यह है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रैल मई 2021 में होने हैं, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से आज प्रधान सचिव की हुई बातचीत। बिहार के सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जारी हड़ताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और यही कारण है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं हड़ताल को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा है कि कार्य बहिष्कार का काम जारी है। वहीं आज जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधि मंडल अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें, अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा हड़ताल को समाप्त करने को लेकर की गई अपील भी बेकार साबित हुई है। स्वास्थ्य विभाग और जूनियर डॉक्टर अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पटना एम्स में अब तक 1000 से ज्यादा वॉलंटियर को लग गया वैक्सीन का डोज। बिहार की राजधानी स्थित पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल का काम बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद अब 1000 के बदले 1330 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। बीते दिन तक पटना एम्स में कुल मिलाकर 1080 लोगों को कोवैक्स का टीका दिया जा चुका है। देश भर में 25,000 लोगों पर कोरोना वैक्सीन के टीके का परीक्षण चल रहा है। अलग अलग 13 केंद्रों पर इसका ट्रायल चल रहा है। कई ऐसे केंद्र है जो अपने लक्ष्य से काफी दूर रह गए हैं। पटना एम्स में वॉलंटियर की उत्साहजनक भागीदारी से न सिर्फ लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, बल्कि सबसे ज्यादा टीका लेने पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि एम्स पटना का लक्ष्य बढ़ाकर 1330 कर दिया गया है। पहले 1000 लोगों का लक्ष्य रखा गया था। नए साल से बिहार में सताएगी ठंड। आज साल का आखिरी दिन है, वहीं कल से नए साल की शुरुआत होने वाली है। हालांकि नए साल के जश्न के बीच लोगों को ठंड की परेशानी सताने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नए साल के जश्न के साथ साथ ठंड भी लोगों की परेशानी का सबब बनने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में पूरे सूबे के न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार जताए गए हैं। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने की उम्मीद जताई गई है। दिन में धूप रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है। मौसमविदों ने 3 जनवरी को राज्य के अधिकतर भाग में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान किया है। हालांकि यह अगले 2 दिनों में मौसम के सिस्टम पर निर्भर करेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय की। कृष्ण वल्लभ सहाय की बात करें तो कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। कृष्ण वल्लभ सहाय एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और फिर एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के जल निकायों का बनेगा एटलस। बिहार सरकार बिहार के जल निकायों के मानचित्र का एटलस बनाने वाली है। इसमें राज्य के सभी जल निकायों का असली चित्र देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था होगी कि तालाब अथवा जल निकाय विहीन गांव और पंचायतों की पहचान भी की जा सके। सरकार के इस नए एटलस में राज्य के प्राकृतिक प्रशासनिक भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र भी होंगे। इसके साथ ही तथ्यों के साथ संक्षिप्त परिचयात्मक विश्लेषण भी होने वाला है। भूमि सुधार विभाग ने इस बाबत अपना काम शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्व और भूमि सुधार विभाग जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस एटलस का प्रकाशन कर रहा है। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों में उपलब्ध सतही जल निकायों का मानचित्र होगा। पनबिजली निगम अब जल्द ही करेगा सोलर बिजली का उत्पादन। बिहार राज्य जल विद्युत निगम अब पनबिजली उत्पादित करने के साथ साथ सोलर बिजली का भी उत्पादन करने वाला है। राज्य सरकार के अनुरोध पर कंपनी रजिस्ट्रार ने इसकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद पनबिजली निगम अभी वहीं से सोलर बिजली का उत्पादन करेगा जहां मौजूदा समय में पनबिजली इकाइयां मौजूद है। आपको बता दें, पनबिजली घर में खाली पड़े स्थानों में सोलर बिजली उत्पादन का निर्णय जब लिया गया तो यह जिम्मेदारी ब्रेडा को दिया गया था, लेकिन तकनीकी समस्या आता देख यह तय हुआ कि पनबिजली निगम को ही सोलर बिजली उत्पादन का जिम्मा दिया जाए। वीआईपी के पास मौजूदा सुरक्षा की श्रेणी में बिहार पहुंचा तीसरे पायदान पर। नई दिल्ली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने पुलिस संगठनों का नया आंकड़ा जारी किया है, जिसके तहत बंगाल, पंजाब और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार 19,000 से अधिक वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए 66,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इन वीआईपी लोगों में मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और नौकरशाहों के अलावा अन्य लोग भी शामिल किए गए हैं। यह आंकड़े ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने
पुलिस संगठनों से जुड़ी नई जानकारी साझा की है, जिसके बाद पंजाब, बंगाल और बिहार सबसे अधिक वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। राज्यपाल फागू चौहान ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह के साथ उनकी यह बैठक लगभग 30 मिनट तक जारी रही। हालांकि जानकारों की माने तो दोनों नेताओं की बीच की यह बैठक शिष्टाचार की मुलाकात थी। फागू चौहान ने राजनाथ सिंह से उनके मंत्रालय जाकर मुलाकात की। इससे पहले राज्यपाल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। अमित शाह के साथ उनकी बैठक करीब 45 मिनट तक चली थी। यह भी शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन बिहार के विकास पर भी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी जलाशय का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित राजधानी जलाशय का भ्रमण किया। उन्होंने इस दौरान बड़ी संख्या में पक्षियों के झुंड का मनमोहक दृश्य नजदीक से देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले साल हम यहां आए थे, आज पक्षियों के झुंड को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब स्कूली छात्र भी 4 जनवरी के बाद गाइडलाइन के अनुसार इस जलाशय का भ्रमण कर सकेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने राजधानी जलाशय में प्रवास कर रहे पक्षियों को करीब जाकर देखा। राजधानी जलाशय में 3 दर्जन से अधिक पक्षियों की प्रजाति का प्रवास है। इन दिनों पक्षियों के कलरव से पूरा वातावरण गुंजायमान है। नीतीश ने आकाश में उड़ते पक्षियों के झुंड के मनमोहक दृश्य का भी लुफ्त उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दूरबीन से पक्षियों को देखा। सरकार ने 5.5 लाख टन धान की खरीदारी करने की कही बात। जहां एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने किसानों से अब तक 5.5 लाख टन धान की खरीदारी का दावा किया है। हालांकि इस बार बिहार में किसानों से कुल मिलाकर 45 लाख टन धान की खरीदारी का वादा किया गया है। वहीं इसी बीच राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि अब बिहार में आक्रामक से धान की खरीदारी हो रही है। हालांकि सरकार के इन दावों पर अब सवाल भी उठने लगे हैं, जिसके तहत इस दावे पर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार के दावे कितने सही है यह तो ग्राउंड पर जाकर ही पता चलेगा। महज 6% किसानों को ही बिहार में एमएसपी का लाभ मिलता है। पैक्सों का पिछड़ा बकाया अब तक सरकार ने नहीं चुकाया है। किसानों को मजबूरी में औने पौने दाम में अब भी धान बेचना पड़ रहा है। 9 जनवरी से होगा बिहार भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राजगीर में बिहार भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो इस कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी को होने वाला है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश पदाधिकारी के साथ ही पार्टी के विधानमंडल सदस्यों को भी दल की नीतियों और एनडीए सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस प्रशिक्षण शिविर में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह महामंत्री सौदान सिंह, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी हरीश द्विवेदी आदि नेता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन के बाद होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए दल के नेता कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑल इज वेल बयान पर राजद ने कसा तंज। बिहार में एनडीए की सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष लगातार निशाना साध रहे। बीते दिन हुए घटनाक्रम के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। वहीं बीते दिन सामने आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम यह कहकर लगा दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, जिसके बाद अब राजद ने निशाना साधा है। जिसके तहत राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जदयू में नहीं होगी टूट, सहयोगियों ने ही अरुणाचल में लिया जदयू को लूट, अब किस मुंह से कह रहे हैं बिहार में नहीं होगी टूट, जनता का 700 पहले ही गया छूट, अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। सलमान खान के साथ काम करने वाले गौतम गुलाटी निकले कोरोना पॉजिटिव। बिग बॉस के 8वें सीजन के विजेता रहे और सलमान खान के फिल्म राधे में सह कलाकार गौतम गुलाटी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल वो ब्रिटेन में हैं। रिपोर्ट आने के बाद से खुद को क्वारंटाइन कर चुके हैं। गौतम गुलाटी के इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करके उन्होंने खुद क्वारंटाइन होने की जानकारी दी है। पोस्ट में उन्होंने लोकेशन में लंदन शेयर किया है। आपको बता दें, सिर्फ गौतम ही नहीं बल्कि शूटिंग के शुरुआत के कारण अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, नीतू कपूर और वरुण धवन समेत फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। गौतम गुलाटी की पोस्ट पर लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से महिला टीम के साथ किए गए भेदभाव पर भड़के आकाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अगले महीने होने वाले वनडे सीरीज को कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्थगित कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उस सीरीज को अगले सीजन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत की महिला टीम ने पिछले लगभग 10 महीने से कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। इसी बीच महिला वनडे सीरीज को स्थगित करने के फैसले से पूर्व क्रिकेटर और हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा बेहद नाराज हैं और उनको इस पर गंभीर सवाल उठाते भी देखा गया है। आकाश चोपड़ा ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अपने ट्विटर पर लिखा है, इसके लिए आप क्या सफाई देंगे, मेंस क्रिकेट अभी हो रहा है लेकिन विमेंस नहीं खेल सकती, जेंडर की समानता है कोई? तो चलिए बढ़ते
के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आपका यह साल कैसा रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।